हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसकी ओलैप की जो क्लासेस है उसे कंटिन्यू करें। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, ओलैप्स की क्लासेस में हम जो आपके साइंस के एक्सपेरिमेंट्स हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि सिमुलेटर मेथड से या ऑनलाइन मेथड में आप इस प्रैक्टिकल को किस प्रकार से करेंगे। साथ ही साथ हम रियल लैब के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, इसको आप रियल लैब में किस प्रकार से जो है परफॉर्म करेंगे, ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों, आज जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट जो आज आपका कॉनकेव मिरर की हम स्टडी करेंगे, ठीक है। हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण किस प्रकार से जो है इमेज का फॉर्मेशन यानी जो प्रतिबिंब है वो बना। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम जो एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे वो था द टू स्टडी रिफ्लेक्शन इन कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण पे परावर्तन को पढ़ना, ठीक है। इसको हम समझ रहे थे, जिसमें हमने इसकी जो मेन टर्म्स थी, जैसे कि रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, पोल क्या होता है, सेंटर कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ इमेज हमने पढ़ लिए थे। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था कि किस पोजीशन पे अगर आप वस्तु को रखते हैं तो किस स्थिति पे आपकी इमेज बनती है, ठीक है। इतना हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके प्रोसीजर की, यानी किस प्रकार से ये जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म किया जाएगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल रिक्वायर की, यानी कौन सा मटेरियल जो है मटेरियल की आपको आवश्यकता हो। तो यहाँ पे है आपके पास एक कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, अ मिरर होल्डर यानी जिससे आप मिरर को होल्ड करेंगे, अ सेमी ट्रांसपेरेंट स्क्रीन फिक्स्ड एट अ स्टैंड यानी आपको एक स्क्रीन की आवश्यकता होगी, साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्ट के तौर पे एक छोटे से कैंडल की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये आपका मटेरियल है। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लैब में आप इसे किस प्रकार से परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है पॉइंट आपका, फिक्स द कॉनकेव मिरर ऑन द मिरर होल्डर। आपको एक मिरर होल्डर लेना है और वहां पे अवतल दर्पण को रख दे एंड प्लेस इट ऑन एज ऑफ द टेबल। और फिर इसे क्या करना है आपको, टेबल के एक सिरे पे या एक साइड पे रख देना है। नेक्स्ट है माउंट अ स्मॉल कैंडल वर्टिकली ऑन अ स्टैंड। एक स्टैंड में आपको कैंडल रखना है, ठीक है, एक छोटा कैंडल लेना है, उसे स्टैंड के ऊपर रखना है। प्लेस इट इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। फिर इसे क्या करना है आपको, इसको जो आपका ये कैंडल है उसे, ठीक है, जो आपकी मोमबत्ती है उसे कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के बाईं ओर लेफ्ट साइड में रखना है, यानी जो उसकी शाइनी सतह है, चमकीली सतह है, उसके आगे आपको उसको रखना, ठीक है। प्लेस द स्क्रीन सच दैट लोअर लेवल ऑफ स्क्रीन मस्ट बी सो अरेंज दैट इट रिमेन्स जस्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। अब आपको क्या करना है, स्क्रीन को इस तरीके से रखना है, ठीक है, स्क्रीन को इस तरीके से रखना है कि जो आपका मिरर है, ठीक है, दर्पण है, आपकी स्क्रीन है और जो आपका कैंडल है यानी मोमबत्ती है, तीनों आपके मुख्य अक्ष के ऊपर, ठीक है, कहाँ पे हो, मुख्य अक्ष के ऊपर। लोकेट अ शार्प इमेज ऑफ कैंडल बाय एडजस्टिंग द पोजीशन ऑफ द स्क्रीन। अब आपको क्या करना है, आपको जो कैंडल है, ठीक है, कैंडल आपकी जली होनी चाहिए, आपको उसको क्या करना है, जलाना है। और आप क्या करेंगे, आप उस कैंडल की जो पोजीशन है, उस कैंडल की जो स्थिति है, उसे बदलते रहें और ये देखेंगे कि जो इमेज है या प्रतिबिंब है वो शार्प कहाँ पे बन रही है, ठीक है। नोट एंड रिकॉर्ड पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म ऑन द स्क्रीन। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि वस्तु कहाँ पे है उसको रिकॉर्ड करना है, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है उसको रिकॉर्ड करना है, और प्रतिबिंब का जो नेचर है,
ठीक है, उसकी जो प्रकृति है उसे भी आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, रिपीट द एक्सपेरिमेंट बाय प्लेसिंग कैंडल एट डिफरेंट पोजिशन एज मेंशन इन द टिप। आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करना है, किसके अनुसार, जो आपकी टेबल है उसके अनुसार। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे टेबल दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल ऐसी ही टेबल आपको सिमुलेटर में भी मिलेगी। आपको क्या करना है, अपना एक्सपेरिमेंट करना है, साथ साथ में आपको यहाँ पे डाटा फीड करते रहना। तो आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल, सबसे पहले आपके पास सीरियल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, फिर ऑब्जेक्ट पोजिशन है यानी वस्तु कहाँ पे रखी गई, पहला है पोल और फोकस के बीच में, दूसरा है फोकस पे, तीसरा फोकस और वक्रता त्रिज्या यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, चौथा है सी पे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, पांचवा है सी के पीछे। ठीक है, ऑब्जर्व्ड इमेज पोजीशन, अब कहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है उसकी स्थिति आपको नोट करनी है। ऑब्जर्व्ड इमेज साइज यानी जो इमेज का साइज है, प्रतिबिंब का जो आकार है उसको आपको बताना है, कैसा है, बड़ा है, छोटा है, कैसा बन रहा है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ ऑब्जर्व इमेज यानी जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार की है, उसकी प्रकृति क्या है, वो आभासी है या वास्तविक है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे फीड करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, आप कैंडल लेंगे, दर्पण लेंगे, दर्पण को स्टैंड पे लगाएंगे, ठीक है, और आपका जो स्क्रीन है उसे लगाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे और ये देखेंगे कि आपको प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, किस स्थिति पे प्राप्त हो रहा है। अब हम बात करते हैं सिमुलेटर में आप किस प्रकार से परफॉर्म करेंगे। अब हम इसे डिस्कस करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, आपका सिमुलेटर पे आपका एक्सपेरिमेंट जो है उसे परफॉर्म। तो अब हम सिमुलेटर की बात करते हैं। एज परफॉर्म इन द सिमुलेटर, पहला है सेलेक्ट शो लेबल्स चेक बॉक्स टू व्यू द लेबल्स इन द सिमुलेशन, यानी सबसे पहले आपको शो लेबल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, चेक बॉक्स में शो लेबल को सिलेक्ट करना है ताकि आप सिमुलेशन में लेबल्स को देख सकें। सेलेक्ट शो हेल्प, फिर आपको किसको सिलेक्ट करना है, शो हेल्प, ठीक है, जो कि आपके चेक बॉक्स में है ताकि आप सिमुलेटर का यूज कर सके, सिमुलेटर का उपयोग कर सके। ड्रैग द ऑब्जेक्ट, अब आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है, इस केस में हमारी ऑब्जेक्ट क्या है, कैंडल यानी मोमबत्ती। अब इस मोमबत्ती को आपको ड्रैग करना है यानी आगे पीछे मूव कराना है, उसकी स्थिति बदलनी है। अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस बाय क्लिकिंग ऑन ब्लू पॉइंट ओवर द कैंडल, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, इसमें वहां पे आपकी कैंडल के ऊपर एक ब्लू पॉइंट होगा, उसको सिलेक्ट करना है, उसको जो है क्लिक करना है और फिर आप इसे ड्रैग करेंगे यानी मोमबत्ती को ड्रैग। एंड ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द इमेज बीइंग फॉर्म, फिर ये देखना है कि जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, यानी किस प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्ट शो रेज चेक बॉक्स टू सी हाउ द इमेज गेट फॉर्म्ड, यानी फिर आपको कहाँ जाना है, शो रेज में जाएंगे ताकि आप ये देख सके। ठीक है, चेक बॉक्स में शो रेज में जाएंगे ताकि आपको ये पता चले कि इमेज कैसी बन रही है, कहाँ पे बन रही है। प्लेस द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पोजिशन एज मेंशन इन द ऑब्जर्वेशन टेबल, टेबल 1 गिवन अबव, एंड नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन इन द ऑब्जर्वेशन टेबल बाय क्लिकिंग ऑन ऑब्जर्वेशन टेबल। और फिर उन्हें वो क्या करेंगे, जो वस्तु है उसे आगे पीछे मूव कराएंगे, अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे और फिर देखेंगे कि कहाँ पे इमेज बन रही है। फिर इसे आप क्या करेंगे, जो टेबल है, इस प्रकार का आपका टेबल होगा, उस पर आप इसे नोट करें। ठीक है, इस प्रकार के क्लिक ऑन सबमिट, फिर क्या करेंगे, सबमिट में क्लिक करेंगे टू वेरीफाई योर ऑब्जर्वेशन। जैसे ही आप सबमिट में क्लिक करेंगे तो जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उसको वेरीफाई किया जाएगा। सही ऑप्शन, अगर आपका आंसर बिल्कुल सही है तो आपका जो है करेक्ट ऑब्जर्वेशन विल बी हाईलाइटेड इन ग्रीन, यानी जो बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन होगी वो ग्रीन कलर से हाईलाइट होगी, एंड इनकरेक्ट वन विल बी हाईलाइटेड इन रेड, और जो गलत होगी वो लाल रंग से हाईलाइट की जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका प्रोसीजर है, आप इसे एक बार रीड कर लीजिए।
फिर हम प्रोसीजर जो है करेंगे, यानी सिमुलेटर में आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसे परफॉर्म कर। चलिए अब चलते हैं हम सिमुलेशन की ओर। ठीक है, तो जब आप सिमुलेटर पे आएंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आए। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन आ गई है और नीचे आपके पास इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, देख सकते हैं आप। क्लिक ऑन द नेक्स्ट आइकन टू शो इंस्ट्रक्शन। आप जैसे जैसे क्लिक करते रहेंगे तो यहाँ पे आपके पास इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, एम, यानी आपका जो एक्सपेरिमेंट है इसका एम क्या है, टू स्टडी रिफ्लेक्शन इन कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण में परावर्तन को समझना या परावर्तन को पढ़ना। अपरेटस क्या है, सामग्री क्या क्या है, और कॉनकेव मिरर यानी एक अवतल दर्पण, एन ऑब्जेक्ट यानी एक वस्तु। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपके पास दर्पण है, वस्तु के रूप में आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है आपके पास, कैंडल है। ठीक है, ये आपकी वस्तु है। अब लिखा है नेक्स्ट, क्लिक द नेक्स्ट आइकन टू गो टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देता रहेगा। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग द अपैरेटस, सबसे पहले आपको अपरेटस यानी जो आपका सामग्री है उसे समझना है। क्लिक ऑन शो लेवल चेकबॉक्स टू हाईलाइट कैप्शन फॉर वेरियस आइटम इन द अपरेटस। आप क्या करेंगे, शो लेवल होगा यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आपके पास शो लेवल है, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप शो लेवल में क्लिक करेंगे आपके यहाँ पे पूरी लेवलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, कैंडल है। ठीक है, सी क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दर्पण है। ठीक है, ये आपका मिरर है और सी यहाँ पे क्या है, इस दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। एफ दिख रहा होगा, एफ पॉइंट, ये क्या है, फोकस है। ठीक, अब इस दर्पण के बीच में एक पॉइंट है जो कि क्या है, पोल है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जर्वर है और यहाँ पे आपकी क्या दी गई है, ये फोकस है, तो फोकस से पोल की दूरी क्या होती है आपकी, फोकस से ध्रुव की दूरी फोकल फोकल लंबन, तो ये आपकी फोकल लंबाई है। ये दिखाया गया है कि ये आपका क्या है, एक हॉलो स्फेयर है यानी एक खोखला गोला है या शेल है स्फेयर का, और ये क्या है, इसका भाग है जो कि क्या है, एक दर्पण है। ठीक है, और ये कैसा दर्पण है आपका, अवतल दर्पण। ठीक है, कॉनकेव मिरर, यहाँ से ऑब्जर्वेशन होगी, यहाँ से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा कि इमेज कहाँ कहाँ बन रही, तो इस तरीके से आपको लेवल्स शो हो। अब अगली इंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। तो अगला इंस्ट्रक्शन क्या है, हाउ टू यूज दिस लैब, आप इस लैब का यूज कैसे करेंगे ये देखते हैं। पहला है क्लिक शो हेल्प चेक बॉक्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दिस लैब। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको पूरी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, यहाँ पे आपके पास शो हेल्प है तो यहाँ पे आपको ये शो करता रहेगा, आपकी हेल्प करेगा कि आप किस तरीके से आप तो आप देख सकते हैं शो रेज में सारी रेड जो रेज हैं आपको दिखाई दे रही होंगी, किरणें किस प्रकार से पड़ेंगी। शो हेल्प में वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको क्या करना है, जैसे कि जो शो हेल्प है, जैसे यहाँ पे लिखा है मूव द ऑब्जेक्ट पोजीशन बाय ड्रैगिंग द पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी आप इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे और फिर से क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। ठीक है, तो तब क्या होगा, आपकी इमेज की पोजिशन चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सारे इंस्ट्रक्शन आ गए हैं, इस तरीके से यहाँ पे आपके इंस्ट्रक्शंस आएंगे। ठीक है, व्हेन यू गेट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लिक ऑन, अब फिर क्या करेंगे आप, जैसे ही आपके पास ऑब्जेक्ट की इमेज आ जाएगी तो आप शो रेज पे जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास रेड आइगम यानी किरण आरेख आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको ऑब्जर्वेशन करनी है। ठीक है, पहले तो आप ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे आगे पीछे अलग अलग पोजिशन में। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल पे क्लिक करेंगे और वहां पे आप अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और सब कुछ आप रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन बाय सिलेक्टिंग द ऑब्जर्व्ड इमेज यानी इमेज की पोजीशन, प्रतिबिंब की पोजीशन। ठीक है, प्रतिबिंब है उसका साइज, ठीक है, उसकी प्रकृति, ये सब कुछ आप ऑब्जर्व करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। वंस यू हैव filled in all details in the observation table, click on submit to verify observation.
पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन आपने ऑब्जर्वेशन टेबल में डालेंगे, उसके बाद उसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है, सबमिट करेंगे, वेरीफाई होगा, अगर सही होगा तो ग्रीन लाइट से वेरीफाई होगा, और अगर गलत होगा तो आपका रेड लाइट से वेरीफाई होगा या रेड कलर से वेरीफाई होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ वेरिफिकेशन होगा रेड और ग्रीन कलर्स। अब हम देखते हैं आप कैसे परफॉर्म करेंगे इसे, ठीक है। ठीक है, तो लेवल्स शो करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी लेवलिंग हो गई है, आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें, ये आपका ऑब्जेक्ट है, आप इसे इस तरीके से पकड़ के ड्रैग कर सकते हैं आगे पीछे, ठीक है, इस तरीके से आप आगे पीछे से ड्रैग कर सकते हैं और आपको दिख रहा होगा कि इमेज में भी चेंजेस हो रहे, ठीक है। तो ये आपका लेवलिंग हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ ऑब्जर्वेशन टेबल में जाते हैं और ऑब्जर्वेशन टेबल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। पहला है, अगर आप ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखें, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में रखें, तो आपको बताना है कि इमेज की स्थिति क्या होगी, यानी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। आपको कहाँ रखना है, पोल और फोकस के बीच में, पोल ये है आपका, फोकस ये है आपका, पोल और फोकस के बीच में हम क्या रख देते हैं, ऑब्जेक्ट हमने रख दी पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। आपको इमेज कहाँ मिल रही है, प्रतिबिंब कहाँ मिल रही है, पोल के पीछे, यानी जो आपका मिरर है, दर्पण है, उसके पीछे, ठीक है, यानी बिहाइंड द मिरर। तो आप यहाँ पे इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बिहाइंड द मिरर। अब पूछा गया है कि जो इमेज है उसकी साइज कैसी है, ठीक है, प्रतिबिंब का साइज कैसा है, ये आपसे पूछा है। तो प्रतिबिंब का साइज आप देख सकते हैं बड़ा है, कैसा है, किधर पे है, आपके जो आपकी मुख्य अक्ष है उसके ऊपर है, यानी इरेक्ट है, और कैसा है, बड़ा है, ठीक है, और कैसा है आपका, आभासी है। क्यों है आभासी, क्योंकि आपको प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, दर्पण के पीछे, यानी ये जो प्रतिबिंब है ये आपको स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ ऑब्जर्व जो आपका ऑब्जर्व्ड इमेज है इसमें जाएंगे तो आपकी इमेज आ गई वेरीफाइड। नेचर की बात करें तो कैसा है, वर्चुअल है, करेक्ट। नेक्स्ट है आपका एट फोकस, यानी फोकस, यानी आपको वस्तु कहाँ रखनी है, फोकस पे रखनी है, वस्तु हम कहाँ रखते हैं, फोकस। अब आपने क्या किया, वस्तु को फोकस पे रखा, तो क्या आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है, यहाँ पे आसपास आपको कहीं भी इमेज नहीं दिखाई दे, पर ये इमेज बन रही है क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब है तो इमेज बन रही है, ऑब्वियसली बात है। तो ये जो इमेज है या प्रतिबिंब है ये इन्फिनिटी पे बन रही है, यानी अनंत पे बन रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एट इन्फिनिटी, इमेज कैसी बन रही है, दूर बन रही है, और ये आपकी इमेज जो होगी वो मैग्निफाइड होगी, यानी बड़ी इमेज होगी, और ये आपको दर्पण के सामने मिलेगी, इसलिए ये रियल और इन्वर्टेड। आप इसमें रे डायग्राम भी देख सकते हैं, आप यहाँ पे जाएंगे शो रेज पे तो आपको यहाँ पे रे डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, ये रेज पैरेलल है, आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये ऑरेंज वाली जो है आपकी इंसिडेंट रे है, ये वाली आपकी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यानी वक्रता त्रिज्या से पास हो रही, ये भी आपकी इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है। हरी वाली आपकी परावर्तित किरण है, आपको दिख रही होंगी, और ये दोनों किरणें क्या है, आपस में पैरेलल है, ये ऑरेंज और ये ग्रीन वाली। ऑरेंज वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और वापस रिफ्लेक्ट होकर इसी पथ से चल जाती है, ये आपने पढ़ा है, तो इसलिए आपकी ये रेज ऐसे जा रही है, और फिर ये पैरेलल है, ठीक है, आपको थोड़ा पैरेलल लग रही है, लेकिन ये क्या होती है, ये आपकी इन्फिनिटी पे मिलती है। तो इसे हम बंद कर देते हैं स्टोरेज। नेक्स्ट है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच। अब फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में जब आप वस्तु को रखते हो तो आपको इमेज कहाँ पे मिल रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक है, यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कैसी है, प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा है, उल्टा है, ठीक है, और वास्तविक है क्योंकि आपको दर्पण के आगे मिल रहा है।
यहाँ पे भी आप रे डायग्राम्स देख सकते हैं। तो ये आपका रे डायग्राम है। ऑरेंज लाइन जो है वो इंसिडेंट रे को शो कर रही है, ग्रीन लाइन जो है आपकी रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण को दर्शा रही है, और एक किरण आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, वो आप जानते हैं रिफ्लेक्शन के बाद उसी पथ से चल जाती है, तो इसलिए उसे ऑरेंज नहीं शो। तो आप लिखेंगे यहाँ पे बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड सी। इमेज कैसी है, प्रतिबिंब कैसा है, मैग्निफाइड यानी बड़ा, और कैसा है आपका वर्चुअल, इरेक्ट है, नहीं ये कैसा है आपका रियल, रियल एंड इन्वर्टेड है यानी वास्तविक और उल्टा। क्यों है, क्योंकि ये आपको दर्पण के आगे मिल रहा है इसलिए वास्तविक है, और इसकी पोजीशन कैसी है आपके मुख्य अक्ष के नीचे इसलिए रियल और इन्वर्टेड। नेक्स्ट है एट सी, सी पे रखेंगे तो प्रतिबिंब भी आपको सी पे मिल रहा है और उल्टा है, देख सकते हैं साइज वही है जो वस्तु का है, ठीक है। और आप रे डायग्राम्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि रे डायग्राम किस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस तरह। तो अब हम डाटा फीड कर देते हैं इसका एट सी यानी वक्रता त्रिज्या पे, तो ये आपका सी पे ही होगा। साइज कैसा है, जो वस्तु का साइज है वही है, और इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट है बियॉन्ड सी, सी के पीछे, सी के पीछे है बियॉन्ड सी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इमेज कहाँ पे बन रही है, सी और एफ के बीच, और साइज कैसा है इसका, छोटा है, और कैसी इमेज है, इन्वर्टेड है, उल्टी है, साथ ही साथ वास्तविक है क्योंकि दर्पण के आगे मिल रही है। आप रे डायग्राम भी देख सकते हैं इसके, ठीक है। ऑरेंज लाइन जो है आपकी इंसिडेंट रे को शो कर रही है, और ग्रीन लाइन आपकी रिफ्लेक्टेड रे, यानी ऑरेंज या नारंगी जो लाइनें हैं, रेखा है, वो आपको आपतित किरण दर्शा रही है, और हरी लाइनें आपको परावर्तित किरणें दर्शा रही हैं, ठीक है। अब आप इसे नोट कर देंगे ऑब्जर्वेशन टेबल पे। बियॉन्ड सी तो आपका सी और एफ के बीच में, साइज कैसा है, डिमिनिश्ड, छोटा, इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आप इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट किया तो आप देख सकते हैं सारे ब्लॉक ग्रीन कलर से हाईलाइट हो गए, यानी ये एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो। तो इसके साथ आपकी ये जो प्रैक्टिकल है, ये एक्सपेरिमेंट है, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो बच्चों आज हमने जो आपका पहला एक्सपेरिमेंट है क्लास 10th का, ठीक है, उसे हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा, आपको इसे सिमुलेटर में किस प्रकार से परफॉर्म करना है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है आपका वाइवा का, उसको आपको अपने आप उसके जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। आप इसे पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें आपका जो अगला एक्सपेरिमेंट है उसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।